हेलो गाइस, राम राम झूरे, सलाम सत श्री अकाल, कैसे हो आप सभी। सबसे पहले तो आपको एनवायरनमेंट डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, आज जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, तो आज ही के दिन आप लोग इस डे को सेलिब्रेट मत करना, यानी कि हर एक दिन पेड़ पौधे लगाओ। बहुत से मैंने ऐसे लोग भी देखे जो आज ही के दिन पेड़ पौधे लगाते हैं, बाकी के दिनों में पेड़ काटते हैं। ऐसे कुछ लोग होते हैं। सोच हमारी ऐसी होनी चाहिए कि हर एक दिन को ना पर्यावरण के दिवस के रूप में मनाना चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि आज पर्यावरण दिवस है तो आज के दिन ही मतलब पेड़ पौधे लगा रहे हैं आप लोग। मैं आप सभी से इतना ही गुजारिश करना चाहता हूँ कि पेड़ पौधे लगाओ। ठीक है, पेड़ पौधे इतने लगाओ कि हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो वातावरण है ना, कूल रहे, अच्छा रहे, और हमें ऐसी ऑक्सीजन मिले कि हमारा भविष्य भी ना अच्छे से जी सके। फिलहाल तो दोस्तों आप भी हम यहाँ पे खा रहे हैं खोलखोली। ठीक है, ये खोलखोली क्या होती है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए, तो हम अपनी बोली में इसको खोलखोली कहते हैं। खोलखोली यानी कि इंग्लिश नेम इसका बेरी कह सकते हैं हम इसे, बेरी। बाकी आप अपनी बोली में इसको क्या कहते हैं बता देना दोस्तों। फिलहाल तो हम खोलखोली खाएंगे ना। मैं इस खोलखोली को दोस्तों कुकर में भर रहा हूँ। ठीक है, पड़ोसी के घर में मैंने कुकर दिया था ना, वो कुकर मैं लेने गया था। रास्ते में जंगल आता है, रास्ते के साथ ही यहाँ पे खोलखोली का ना तो पौधा है, कांटे जैसा पौधा होता है ना, तो इसमें बहुत सारी बेरी लगी होती है, तो उसी को हम उठा रहे हैं दोस्तों। बहुत ज़्यादा यहाँ पे खोलखोली, बहुत ज़्यादा, तो इसी खोलखोली को हम कुकर में भरेंगे। तो देखते रहो दोस्तों, यहाँ पे देखिए इस कुकर में मैं फुल करूँगा। फुल तो नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा। तो देखते रहो दोस्तों कैसे कैसे कांटे में जाना पड़ता है खोलखोली निकालने के लिए। ये देखिए, ये खोलखोली ना आगे तक है, यहाँ पे देखिए कितनी सारी खोलखोली है। इसको हम अपनी बोली में तो खोलखोली कहते हैं, बाकी तो आप बता देना कि खोलखोली को क्या कहते हैं। यहाँ पे भी है काफी ज्यादा, यहाँ पे देखिए, मैं भी निकालता हूँ हल्की फुल्की। यहाँ पे देखिए, सो गाइज यहाँ पे देखिए कितने प्यारे प्यारे फूल है। यहाँ पे देखिए बहुत सुंदर सुंदर नेचुरली बने हुए फूल है। तो इसलिए कहता हूँ दोस्तों, हमारी हमारी प्रकृति ने ना हमें बहुत कुछ दिया हुआ है, बहुत कुछ दिया है, मतलब हम खुश हो जाते हैं इन चीजों को देख के। यहाँ पे देखिए, ये देखिए कितना बड़ा खोलखोली है, कितना बड़ा सब बेरी है। मैक्सिमम रुको एक मिनट, यहाँ से देखिए एक मुट्ठी खोलखोली मिल गई मुझे। वाओ, बस आप बता दो दोस्तों, आप अपनी बोली में इसको क्या कहते हैं, कमेंट कर दो दोस्तों, कमेंट भी कर दो और वीडियो को शेयर भी कर दो। ये देखिए, तो मिस्टर राजमन जी आगे आगे जा रहे हैं खोलखोली निकालने, बस गिरना मत, लालच बुरी भला है, पर हम इस लालच को और बढ़ाएंगे, क्यों है ना। तो देखिए यहाँ पे कितनी ज्यादा यहाँ पे बैरी है दोस्तों। ये देखिए चलाक चिंपू यहाँ भी आ गई। वो चिंपू, तेरे को चैन नहीं है, तेरे को चैन नहीं चिंपू। ये देखिए चिंपू ना रुकती नहीं है, हर कहीं घुसी होती है। देखिए ये देखिए, ये देखिए कैसे देख रही है, वाँ वाँ कर रही है, बिना मतलब की वहां पे देख रही है, वहां कुछ भी नहीं है, ऐसी डरपोक चिंपू है ये। डरपोक चिंपू, आजा नीचे बैरी खाने। क्या कुत्ते बैरी खाते हैं या नहीं खाते हैं, चेक करते हैं, आज एक्सपेरिमेंट करते हैं, करें एक्सपेरिमेंट। खाएगी चिंपू, तेने एक बैरी वेस्ट कर दी, नहीं खाई तेने बैरी, गंदी भैया। आज तो बैरी खाएंगे, मजा आएगा। जो ये नेचुरल चीजें होती है ना, इनसे काफी ज्यादा ना विटामिन मिल जाती है। तो गाइस बहुत मजा आ रहा है इन बैरी को निकालने को, घर वाले सरप्राइज हो जाएंगे, क्या क्या ला दिया। इसी के साथ दोस्तों अभी मैं वीडियो को ख़त्म नहीं करूँगा, जब तक मैं इन बैरी को और नहीं भर लेता ना, तब सुकून नहीं मिलेगा। बहुत ज़्यादा है, यहाँ तो आज तो मेरे को लगता है हमारा कुकर ना बैरी से फुल हो जाएगा। इसका हम बताए क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे हम इसका, बैरी का कुछ बनता है क्या, जैम, जैम बनाएंगे हम बैरी का दोस्तों। ये जितना भी ना दोस्तों, यहाँ से लेकर वहां तक ये पूरा बेरी का खेत है। टेस्ट पता क्यों नहीं है, क्योंकि अभी पहले बारिश आई थी ना, इस वजह से। A few moments later. दोस्तों मैंने आपको दिखाया था, मैं नाले के पास गया था, वहां पे मैंने बहुत ज्यादा खोलखोली निकाली, बेरी निकाली। तो अब मैं फिर से खेतों में आया हूँ, तो अब मैं दोस्तों खेतों की ओर आ चुका हूँ। तो मैंने आपको वो बेरी भी दिखा दी और मैंने आपको पर्यावरण के बारे में भी बता दिया, ठीक है, क्यों इतना ज़रूरी होता है, पर्यावरण को हमें बचाना है और जितने हो सके तो पेड़ लगाने हैं। आज के दिन ही पेड़ नहीं लगाने दोस्तों, हर एक दिन को ना एनवायरनमेंट डे के तौर पे सेलिब्रेट करना चाहिए। फिलहाल अब मैं यहाँ पे आया हूँ, तो यहाँ पे भैया भाभी भी आए हुए, पता नहीं क्या बीज रहे हैं, नहीं क्या क्या लगा रहे हैं,
तो यहाँ पे आज ना पेड़ नहीं लगा रहे दोस्तों, यहाँ पे ये लगा रहे हैं टमाटर के पौधे और मिर्च के पौधे लगा रहे हैं। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी यहाँ पे गोभी, बंद गोभी के पौधे हैं ना, उनमें मैं पानी दे दूँ, ठीक है। तो आगे टमाटर के पौधे हैं वहाँ पे भी मैं पानी डालूँगा। पौधे तो मैंने अपनी लाइफ में बहुत लगाए हैं, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे तो बहुत लगाए हैं। मैं आज के दिन पेड़ पौधे इसलिए नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि मैं आज के दिन मतलब शो ऑफ नहीं करना चाहता। सिर्फ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर एक दिन को ना पर्यावरण दिवस के रूप में मनाना चाहिए, हर एक दिन पेड़ पौधे लगाने चाहिए। जो हम नलके का पानी डाल रहे हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स होते हैं जो हमारे पौधों के लिए सही रहते हैं। हाँ, तो यहाँ पे भाभी और भाई ने ना टमाटर के पौधे लगाए, तो वही दिखाता हूँ, इनकी मेहनत दिखाता हूँ, यहाँ पे इनकी मेहनत दिखाता हूँ। पता है पहले क्या कर रहे हैं? पहले ये गड्ढा बना रहे हैं, ठीक है। गड्ढा बना रहे ना, पहले खोद रहे ना, पहले घास फूस अच्छे से मिक्स, हाँ, साथ में वो नहीं होना चाहिए क्या, पत्थर पुत्थर नहीं होना चाहिए, घास फूस बिल्कुल अच्छी मिट्टी होनी चाहिए, जैसे बिल्कुल साफ, जैसे फिर जाके बनाना गोला ऐसे करके बिल्कुल प्यार से पौधे। अच्छा, अभी मिर्च बो रहे हैं। हाँ, मिर्च टमाटर तो लगा दिए, तो टमाटर यहाँ पे लगा दिए दोस्तों। मतलब हमारे खाने के लायक होता है, हम बेचते नहीं है, मतलब अपने घर के लिए लगाए हमने यहाँ पे। मतलब आज से 2 महीने बाद ये टमाटर देना शुरू कर देंगे। दो महीने के बाद यही दिखाना है। काम तो होता नहीं है भाई को, यार हंसते ही रहता है भाई। ये करो तो जल्दी जल्दी वाला। तो यहाँ सब हमने, यहाँ पे सब जगह हमने टमाटर बोए हैं, आगे बंद को भी बीजा है और यहाँ पे मिर्च बीज रहे हैं। तो इस तरह से काम काज होता है दोस्तों खेतों का। भाभी जी भी कुछ हमारे को बताना चाहते हैं, हमारी व्यूवर को क्या बताना चाहते हैं बताओ तो जरा। जैसे कि ना, जब भी हमने पौधा लगाया है, ठीक है, तो हमारे को पानी पता कैसे डालना है, इसमें पानी डालने का भी एक तरीका होना चाहिए। कैसा? जैसे हम पानी ऐसे नहीं की गई है ऊपर से लगे डालने। क्यों डालेंगे हम ऊपर से? ऊपर से नहीं डालना, या इतना ऊपर से भी नहीं डालना है क्योंकि अभी नया लगा, इसलिए इसको ना बिल्कुल प्यार से जो पौधा लगाया होगा उन्हीं को ऊपर निकल जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा इसका। अच्छा, कोई डाल देगी नहीं ऐसे इतने ऊपर से या इतने ऊपर से, बिल्कुल प्यार से डालना है। यस यस, पौधा ठीक 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 ओके।